हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड नमस्ते। मैं शर्मिष्ठा और आज का जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत जनों ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है फेशियल किट जो मार्केट में मिलते हैं, इंडियन मार्केट में मिलते हैं स्पेसिफिकली, उनके बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि सब्सक्राइब आप करना भूल जाते हो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप मेरे नए नए यूनिक से वीडियोज को भी ना मिस करो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेशियल किट के बारे में। फेशियल किट जो होता है वो हमारे पैसे बचा देता है। कैसे, मैं बताती हूँ। क्योंकि आपको पार्लर जाना होता है और एक बार फेशियल का 500 से 1000 रुपए मिनिमम ले लेते हैं। अगर आप गोल्ड डायमंड पर्ल फेशियल कराते हो तो और भी एक्सपेंसिव हो जाती है, स्पेशली अगर आपकी शादी है या आपके घर में किसी की शादी है तब तो आपको पार्लर जाना ही होता है फेशियल के लिए। बट अगर आपके पास फेशियल किट है तो आप घर में ही फेशियल कर सकते हो। फेशियल किट में बेसिक सारी चीजें आती है जैसे कि एक फेशियल क्लींजर, एक टोनर, एक स्क्रब, एक पैक और एक जेल या फिर एक क्रीम। जो भी फेशियल किट आप सेलेक्ट कर रहे हो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी फेशियल किट को यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप पहले पैच टेस्ट कर रहे हो, इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेना और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फेशियल किट खरीदना। अभी चार टाइप के फेशियल किट के बारे में बात करूँ। एक है फ्रूट फेशियल जो हर किसी की स्किन को बेसिकली सूट करता है। सेकेंड है गोल्ड फेशियल जिनकी स्किन फेयर है या मीडियम फेयर है या मेरी स्किन टाइप जैसी है उनकी स्किन के ऊपर गोल्ड फेशियल काफी कमाल का काम करता है। अगर आपकी स्किन में थोड़ा सा टैनिंग है या फिर अगर आप ब्राउन स्किन गर्ल हो उनकी स्किन को चार चांद लगाता है पर्ल फेशियल किट। अगर आप किसी स्पेशल ओकेशन के लिए फेशियल करना चाहते हो तो डायमंड या फिर गोल्ड फेशियल में पिक कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द फेशियल किट्स, सबसे पहला और मेरा फेवरेट है VLCC का गोल्ड या फिर डायमंड फेशियल किट। दोनों ही फेशियल किट का जो एम है वो है आपके डार्क स्पॉट को हटाना, स्किन को एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देना, हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन देना, उसी के साथ आपके सेल्स को रिन्यू करना, न्यू सेल का फॉर्मेशन करना, डेड सेल्स एंड पिगमेंटेशन को हटाना। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं आपको कहूंगी कि VLCC का डायमंड फेशियल किट आप यूज ना करो। मुझे जितना लगता है मेरी एक दोस्त ने यूज किया था, उसकी स्किन ऑयली थी तो उस पे सूट नहीं किया था, तो इसीलिए मेक श्योर। नेक्स्ट है लोटस का फेशियल किट, बहुत किफायती है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है और क्रुएलिटी फ्री है, इजिली मार्केट में मिल भी जाता है। इस फेशियल को करने के बाद आपकी स्किन डीप क्लीन हो जाती है, इंस्टेंट ग्लो मिलता है, एक शेयर रेडियंस रहता है, स्किन टोन को इम्प्रूव करता है और इसका इफेक्ट भी लॉन्ग लास्टिंग होता है। बट ये सैशेस में आता है तो इसका जो कॉन है वो ये है कि सैशेस को स्टोर करके रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब आप 2 हफ्ते बाद फिर से यूज करने वाले हो ना तब देखोगे तो थोड़ा सा थिक हो जाता है क्रीम वगैरह। मेक श्योर उसका जो पैकेट है उसको आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख रहे हो। नेक्स्ट फेशियल किट है एरोमा कोचर का पर्ल फेशियल किट। ये वाला फेशियल किट एक्ने प्रोन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए काफी ज्यादा आपके टैन को रिमूव करके स्किन से रेडनेस को रिमूव करता है, आपके स्किन टेक्सचर को डीप क्लींस करता है आपके स्किन को, तो ये काफी अच्छा है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। बस इसका जो एक कॉन है वो है कि जब आप अप्लाई करते हो ना तो एक स्लाइट बर्निंग सेंसेशन मौजूद होता है, इसीलिए भी हो सकता है कि स्किन में ऑलरेडी एक्ने है या फिर ऑयल है। बट जो भी है काफी असरदार है, काफी अच्छा है और अफोर्डेबल भी है। नेक्स्ट बारी है जोवीज के फेशियल किट की। जोवीज में बहुत सारे फेशियल किट के वैरायटीज है तो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिक कर सकते हैं। जनरली जोवीज के जो फेशियल किट होता है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ होता है, बहुत किफायती यानी इनएक्सपेंसिव होता है, और इसे भी आप 3 से 4 बार यूज कर सकते हो एक किट को, तो स्किन में इरिटेशन नहीं होता है, स्किन को डीप क्लींस करता है, हाइड्रेशन नरिशमेंट देता है और बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। मैंने फेयरनेस एंड ग्लो वाला जो मिनी किट है उसे यूज किया था, ड्राई स्किन वाले अगर उसे यूज करते तो उनकी स्किन में वो सूट नहीं करता है। नेक्स्ट है नेचर्स का गोल्ड फेशियल किट। इस फेशियल किट को यूज करने के बाद एक इंस्टेंट लॉन्ग लास्टिंग ग्लो मिलता है और आपका स्किन जो है हाइड्रेट, मॉइस्चराइज एंड नरिश्ड लगता है, जिसके वजह से आपका स्किन ग्लोइंग भी लगता है, और एक किट को आप बहुत बार यूज कर सकते हो। कोई कॉन नहीं है इन जनरल। अगर आपको कुछ कॉन पता है इस वाले फेशियल किट का तो नीचे कमेंट करके जरूर लिख के बताना। अभी बारी है बहुत फेमस फेशियल किट की और जिसका पार्लर में बहुत एक्सपेंसिव रेट होता है, वो है शहनाज हुसैन का फेशियल किट। स्किन व्हाइटनिंग फेशियल किट यूज किया था शहनाज हुसैन के फेशियल किट रेंज में से। इसमें 7 फेशियल स्किन स्टेप्स होती है तो आप एक के बाद एक स्टेप्स को फॉलो करो। इंस्ट्रक्शन जो होता है बैक में दिया होता है तो आप उसको देख के इजीली फॉलो कर सकते हो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट वैल्यू फॉर मनी है। टैन को रिमूव करता है, ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है स्किन में, इंस्टेंट ग्लो मिलता है, हर स्किन टाइप पे सूट करता है। अगर आप बजट में नहीं हो देन डू ट्राई द शहनाज हुसैन फेशियल किट, बट दिस इज अ वन टाइम यूज फेशियल किट।
तो एक बार में ही आपको खत्म करना होगा यूज. अगर नेक्स्ट जो फेशियल किट है वो है एस्ट्रॉबेरी का वाइन फेशियल किट. इसे मैंने यूज नहीं किया है, मेरी माँ ने यूज किया है. दिस इज अ वेरी गुड फेशियल किट. अगर आपकी एज 30, 35 या 40 के करीब है तो आपके लिए काफी अच्छा है. इनफैक्ट मेच्योर स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है. प्लस आपकी स्किन के जो सेल्स है उसको रीजेनरेट करता है एंड आपको एक यंगर लुकिंग ब्राइट स्किन मिलती है. ऑल्सो अगर आप अपनी स्किन से पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स को हटाना चाहते हो उसके लिए भी ये वाला फेशियल किट काफी अच्छा है. फेशियल किट को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो तो इट इज अ वैल्यू फॉर मनी फेशियल किट. और लास्ट वाला फेशियल किट जो है वो है ओरिफ्लेम का फेशियल किट. इसमें बहुत सारी रेंजेस है. मेरा फेवरेट जो पपाया गुआवा एंड पाइनएप्पल वाला फेशियल किट है वो वाला है. इसमें जो फ्रूट्स होता है वो एक इफेक्ट देता है फ्रूट फेशियल. जब मेरी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड रहती है ना तब ये मेरी स्किन को नरिशमेंट और एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है. इसकी वजह से मेरा डल स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड और ग्लोइंग लगने लगता है. बट इसका एक ही प्रॉब्लम है, वो है जो इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है ना दूसरे वाले में वो इसमें नहीं मिलता है. इसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट डे ही देखने को मिलेगा. तो थी फेशियल किट. अभी मैं थोड़े बहुत टिप्स दे देती हूँ. फेशियल से पहले पानी जरूर पी लीजिएगा घर में. अगर आप फेशियल कर रहे हो तो उसके पहले अपने हाथों को बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए सोप से या एंटीबैक्टीरियल जो हैंड वॉश होती है उनसे. और थर्ड थिंग इज अगर आप डे टाइम में फेशियल कर रहे हो तो फेशियल के बाद स्किन में सनस्क्रीन अप्लाई करना मस्ट है. इनफैक्ट नेक्स्ट 7-8 दिन आप सनस्क्रीन हर दिन अप्लाई करो क्योंकि फेशियल करने के बाद हमारा स्किन का जो अपर लेयर है वो सेंसिटिव हो जाता है, बहुत लाइट हो जाता है. तो इसी वजह से हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करो. तो इसी के साथ ये फेशियल किट वाला वीडियो ये पे खत्म होता है. लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को. इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलना मुझे. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. कमेंट करके जरूर बताना कौन सा नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हो. बाय. स्टे ब्लेस.